प्रदेश सरकार के जनसरोकार व महत्वाकांक्षी जनमंच कार्यक्रम के पांचवें चरण में प्रदेश के लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य 11 जिलों से 3000 से अधिक शिकायतें व आवेदन प्राप्त किए गए। इनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा हो गया, जबकि बाकी मामलों को 10 दिनों के भीतर निपटाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सीएम जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र सराज में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को जिला मंडी विधानसभा क्षेत्र सिराज के पंजैन में आयोजित पांचवें जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जन की समस्याओं का मौके और उनके घर द्वार पर निपटारा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता तक सीधे तौर पर पहुंचने के लिए जनमंच कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि आम लोगों को सरकारी कार्यालयों में विभिन्न समस्याओं के निपटारे में बहुत कठिनाइयां सहन करनी पड़ती हैं, इसलिए प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम की कल्पना की। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रदेश में लोकप्रिय हुआ और इससे पहले आयोजित 4 जनमंच कार्यक्रमों में आम लोगों से संबंधित 10,000 से अधिक समस्याओं और मुद्दों का निपटारा किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम ने यह भी सुनिश्चित किया है कि लोगों को अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कार्यालयों में ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि जनमंच के दौरान आयोजित विभिन्न शिविरों में लोगों को मौके पर सभी प्रकार की आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे उन्हें असुविधा का सामना ना करना पड़े। इस दौरान जनमंच कार्यक्रम में 993 आवेदन प्राप्त किए गए, इनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया गया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को 10 दिन के भीतर निपटारे के लिए भेजा गया। ये बहुत बड़ा, लोगों ने जो है इस कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया और हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में जब पहला जनमंच का कार्यक्रम हुआ और उसमें मालूम पड़ा कि हजारों की तादाद में लोग उपस्थित हुए और उपस्थित होने के साथ साथ में उन लोगों की जो समस्याएं थी, जो समस्याएं मौके पर निपटाई जा सकती थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ। फिर उसके बाद यहां पर हमने वहां बैठ करके हमने तय किया किसको और प्रभावी कैसे बना सकते हैं। और मैं मित्रों का, मीडिया के मित्रों का बहुत धन्यवाद हूं, यहाँ पर उपस्थित हैं। इन्होंने भी इससे पहले तो कुछ लोगों ने खबर डाली कि भाई कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है, ये होता रहता था। कुछ लोगों ने ऐसे भी खबरें डाली थी, लेकिन जहां जहां उसके बाद हमारे मीडिया के मित्र भी जाते रहे, उसके बाद उन्होंने भी अनुभव किया सही मायने में ये कार्यक्रम जनहित का कार्यक्रम है, ये जनमंच जनहित का कार्यक्रम है और इसमें जो है इसके बारे में लोगों का रुझान है। हमारी सरकार का अगर सबसे एक कार्यक्रम, जो सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जिसके लिए लोगों की रेटिंग जो है नंबर 1 पर आई है हिमाचल प्रदेश के पूरे सर्वे में, पूरी जानकारी के माध्यम से सारी जानकारी जो हमको मिलती है उसमें जनमंच नंबर 1 पर है। इस मौके पर राजस्व विभाग ने प्रमाण पत्र बनाए और पेंशन मामलों को भी स्वीकृत किया। कई किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कन्याओं के सशक्तिकरण के लिए जिला मंडी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को देश में 100 जिलों के लिए शुरू किया था। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को 10वीं कक्षा में छात्राओं द्वारा शत प्रतिशत परिणाम लाने के लिए प्रत्येक को 20,000 रुपये और प्रमाण पत्र से पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर, विधायक जवाहरलाल ठाकुर, इंद्र सिंह गांधी, मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल शर्मा और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष राजा बली सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इधर शिमला में पांचवा जनमंच कार्यक्रम मशोबरा विकास खंड की ग्राम पंचायत मशोबरा के तलाई में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने की। इस कार्यक्रम में 8 पंचायतों के लोग लाभान्वित हुए। जनमंच कार्यक्रम के दौरान शिकायत और मांगों के 128 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 98 का मौके पर ही निवारण किया गया। इस मौके पर लोगों ने अपनी शिकायतों और समस्याओं को लेकर 76 आवेदन मौके पर भी प्रस्तुत किए। जनमंच कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर में 132 लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। 18 लोगों ने दंत चिकित्सा से संबंधित जांच करवाई। आयुर्वेद स्वास्थ्य जांच शिविर में 112 लोगों ने अपनी जांच करवाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जन कल्याण के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं कार्यान्वित की है, ताकि विकास को एक नई दिशा और गति दी जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की जा रही है, जिसके माध्यम से चयनित परिवारों को हर वर्ष 5,00,000 रुपये तक का निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाएगा। जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़खल सनावर में आयोजित जन मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता वन परिवहन और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। गोविंद ठाकुर ने कहा कि जनमंच आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य
पारदर्शी तरीके और संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का तार्किक हल निकालना है। ये तभी संभव है जब अधिकारी और कर्मचारी न केवल जन समस्याओं को ध्यान से सुने बल्कि उन्हें सुलझाने के लिए गांव गांव तक पहुंचे। ठाकुर ने कहा कि जनमंच में लगातार पहुंच रही शिकायतों और उनका त्वरित समाधान जनमंच की सफलता का सूचक है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि लोगों को ठोस और त्वरित न्याय दिलवाने के लिए काम करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बहुत डिसिप्लिन और बहुत अच्छे से और यहाँ पर लोगों ने अपनी बात को बहुत खुल के रखा और चाहे लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो भी रखी और फिर कुछ जो डिमांड्स के बारे में डिमांड्स के लिए हम सरकार को भेज रहे हैं और कुछ एक ऐसे जो यानी कि जो प्लानिंग के इशूज़ हैं उनको, लेकिन बाकी सब चीज़ों को अच्छे से हमने यहाँ पर किया है और उसके बाद अब जितनी शिकायतें आई हैं इन सबका निवारण, बहुत सी शिकायतों का निवारण यहाँ पर हो गया, बहुत से इंतकाल हैं, बहुत से सर्टिफिकेट्स वो यहाँ पर मौके पर बन गए हैं, तो इससे बहुत यानी कि इसका बहुत अच्छा एक असर है और ऐसा कार्यक्रम की जनता अपनी सरकार से सीधी बात करे, ये कार्यक्रम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी ने एक महत्वाकांक्षी। शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के चढ़ियार में आयोजित जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जनमंच को लोगों की हर समस्या का प्रभावी निदान बताया। उन्होंने चढ़ियार में बख्शी प्रताप सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि लोगों की समस्याओं का उनके घर द्वार पर त्वरित और स्थायी समाधान हो और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। सरवीण चौधरी ने लोगों से अपनी समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनमंच कार्यक्रमों का भरपूर उपयोग करने का आग्रह किया। जनमंच कार्यक्रम के पांचवें चरण के तहत बिलासपुर जिला के नैना देवी हल्के की 13 पंचायतों से संबंधित 378 समस्याओं को लेकर प्रार्थना पत्र प्राप्त किए गए, जिन्हें सुलझाने के मकसद से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रानी कोटला में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा स्टॉल लगाकर संबंधित समस्याओं को पंजीकृत किया गया, जिसके बाद राजीव बिंदल ने समस्याओं पर चिंतन कर कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया और शेष का अगले 10 दिनों में समाधान करने का आश्वासन दिया। यही नहीं, कार्यक्रम के दौरान राजीव बिंदल ने लापरवाह अधिकारियों को लताड़ भी लगाई। जयराम ठाकुर की सरकार इस मामले में वचनबद्ध है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संदेश है कि सीधा सीधा जनता के बीच में जाके उनकी और समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करना। कोई सड़क बननी है उसका पैसा आया हुआ है पर सड़क नहीं बन रही, सड़क की गुणवत्ता क्वालिटी अच्छी नहीं है, सड़क समय से पहले टूट रही है, पेयजल की पाइपें आई हुई हैं काम नहीं लगा है, स्कीम अप्रूव्ड है पर काम नहीं लगा, ये सारे काम जनमंच के हिस्से में शामिल हैं। एक काम जो जनमंच के हिस्से में शामिल नहीं है, नई स्कीम की स्वीकृति जनमंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, उसका समाधान जनमंच की और श्रेणी से बाहर माना जाएगा। इस मौके पर 27 नवजात बच्चियों को डॉक्टर राजीव बिंदल ने 10,000 रुपए की FD और 171 ग्रामीण महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन भी वितरित किए। इस मौके पर नैना देवी से कांग्रेसी विधायक रामलाल ठाकुर और पूर्व भाजपा विधायक रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।